Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Today I start my next video of class 5th A subject Hindi language lesson 3rd. Lesson का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय. तो आइए जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है. वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं. मूल शब्द मतलब जो मेन वर्ड होता है उसके पहले. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जान लीजिए दान जैसे लिखा है. दान देना आप लोगों को पता है कि दान मीन्स क्या होता है. दान देना ठीक है. किसी को कुछ देना वो दान होगा. और उसके आगे अगर हम कोई एक वर्ड जोड़ दे तो वो उपसर्ग कहलाएगा. जैसे कि दान के साथ हम आ जोड़ दे तो वो क्या कहा जाएगा आदान. यानी कि आदान प्रदान वाला जो वर्ड होता है वो आदान बन जाएगा. इसी तरह से जैसे चरण. चरण में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आचरण. चरण का मतलब हो गया पैर और आचरण का मतलब हो गया व्यवहार. यानी कि मूल शब्द में दूसरा शब्द जोड़ने से उसका जब अर्थ परिवर्तित हो जाए वो उपसर्ग कहलाता है. उपसर्ग में आता है आपका आ अभी अव अधि अति आ. और जो मूल शब्द होते हैं भाव नव गुण कार रिक्त गगन इत्यादि ये शब्द होते हैं. इनमें अगर हम ये सारे वर्ड जोड़ दें तो चेंज हो जाए. जैसे आ प्लस भाव करेंगे तो अभाव हो जाएगा. अभी प्लस नव करेंगे तो अभिनव हो जाएगा. अव प्लस गुण करेंगे तो अवगुण हो जाएगा. अधि प्लस कार करेंगे तो अधिकार हो जाएगा. अब आइए जानते हैं कि प्रत्यय क्या होता है. प्रत्यय जो मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं यानी कि जो शब्दांश मूल या जिसको रूढ़ कहते हैं शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द बनाता है वो प्रत्यय कहलाता है. जैसे कि कलाकार तो कला प्लस कार. दूध वाला दूध प्लस वाला. बाजारू बाजार प्लस ऊ. इसको इस तरह से देख सकते हैं. जैसे कि है शब्द तैर. तैर में हम अगर आग जोड़ दे तो क्या हो जाएगा तैराक. तैर मीन्स तैरा. लेकिन अगर उसमें आग जुड़ जाएगा तो वो एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा तैराक. जुट और उसमें अगर एरा जोड़ देंगे तो क्या होगा जुटेरा. लड़ लड़ में अगर हम प्रत्यय आ का जोड़ देंगे तो लड़ाका हो जाएगा. झगड़ झगड़ एक नॉर्मल शब्द है उसमें अगर आलू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा झगड़ालू. ठीक है. इसी तरह से शब्दों को एक शब्द रूप को एक अर्थ रूप प्रदान करने वाली वस्तुएं या चीजें या वर्ड प्रत्यय कहलाते हैं. यहां से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू.